गाड़ी मैंने ले ली है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ पे पूरे टेंट थे, यहाँ पे टेंट था। इस्लामिक कल्चर के बारे में आप जान सकते हो कि हमारा इस्लाम जो है उसका कल्चर क्या है। ये वुमेन राइट्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए। जो मुझे कॉल आ गई थी कि गाड़ी आपकी रेडी हो चुकी है, ऊबर पे आए हम, सारी बात है गाड़ी तो थी नहीं पास। तो अब अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, बस अब वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं। फ़ोन तो इन्होंने मुझे ऐसे ही किया जैसे गाड़ी बिल्कुल रेडी करके इन्होंने बाहर मेरे लिए खड़ी कर दी भैया। तो आई थिंक गाड़ी रेडी हो चुकी है, नज़र तो आई है मुझे। गाड़ी मैंने ले ली है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं अभी वही चेक कर रहा था, मैंने बोला अभी सब कुछ देख दूँ लोग के कुछ मिशन रहते नहीं गया, तो ये पेपर वगैरह साइन करवा ली उन्होंने मेरे से। पूछा मैंने कुछ, बाकी पेमेंट वगैरह उनको कर दी है। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बाहर निकल के आराम से। देख सकते हो जो है गाड़ी जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई है। यहाँ पे पूरे डेंट थे, यहाँ पे डेंट था एक आगे करके, ये मेरा टूट गया था पूरा। इस साइड पे भी डेंट थे, ये फुल चमक रही है इस टाइम। ये मेरा टूटा हुआ था पूरा, मिरर चेंज हो गया। A few moments later. अभी हम विजिट करने हैं यहाँ पे, तुम लोगों को दिखाता हूँ साथ साथ। This is a bit for the minaret, the mosque. Minaret, okay. So this mosque has one minaret. Some mosques have two or three or four or five. It depends on who builds the mosque. So if I build, I may want to put two or three. I don't put any, it's okay. The mosque is still a mosque without the minaret, okay? This one has one minaret, okay? Let's move. It has what we call the dome. Everyone knows what the dome is. It's like a circle thing, okay, dome. Has 96 domes, 96, okay. Now, also mosques, some of them have domes, some may not have them, okay. If the mosque doesn't have a dome, it's fine, it can be a mosque, it's no problem. And then you have small ones, 65. If you Google it, you will see the small ones, 65 domes. And then there's another three domes, in the front one is in the minaret, total is 96. So in Islam, the prayer is one of the five pillars. Five pillars of Islam mean five important things in the religion. Okay? These five things, the prayer is one of them. Second, okay? The first one is belief in one God. Okay? So Muslims believe there is one God, one creator. First thing, belief in one God, Muhammad being the messenger, the final messenger. Five times. When we bow, we say words of praise of God. When we stand up, the same. Different words. Portion of it, once a year, we give it to needy and poor people. There's a way to calculate, but in brief, our relationship with God is always from the Quran, the Book of God, or the Prophet himself. आज हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट होता है। अब यहाँ पे आके इस्लामिक कल्चर के बारे में आप जान सकते हो कि हमारा इस्लाम जो है उसका कल्चर क्या है, उसकी एथिक्स क्या है। नई चीज़ों का पता चलता है इंसान को, इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात मिलती है। कि अच्छा था, काफ़ी चीज़ें पता भी चली हैं जो कि कुछ मुस्लिम्स को नहीं भी पता होती हैं।
और नमाज़ का सही तरीका क्या होता है, और सफ़र में होते हैं हम लोग सेम टाइम पे नमाज़ जो है वो अदा नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें कुछ पता होनी चाहिए इस्लाम के बारे में। मैंने भी यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं सीखी हैं जो मुझे नहीं पता थी पहले, और यहाँ पे जो है ये एक बुक दे रहे हैं, हर तरह की बुक आप यहाँ पे ले सकते हो और बिल्कुल फ्री है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो है नॉन मुस्लिम यहाँ पे आके, जितने भी मेरे साथ थे सब ऑलमोस्ट नॉन मुस्लिम थे, कोई भी मुस्लिम नहीं था। ये लोग यहाँ पे जो है इस्लाम में इंटरेस्ट लेते हैं। ये बुक इंशाल्लाह हम घर जाके रीड करेंगे सारी। तो बाकी अभी नीचे हम जाएंगे पूरी ये मस्जिद का एक विज़िट करेंगे, कि विज़िट करवाएंगे हमें। और नॉन मुस्लिम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कतर में, मैंने स्पेशली देखा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी इस्लाम को प्रमोट करते हैं। जगह जगह भी इन्होंने हुसैन की अहदीस वगैरह लिखी हुई हैं, हर लैंग्वेज की बुक इन्होंने दी हुई है यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ों को पता चले। और यहाँ आके जो है ना मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला जो कि मुझे नहीं पता थी। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, थोड़ी सीरियस बात कर देता हूँ आज, कि आप जिस तरह के भी इंसान हो, जिस भी तरह के इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो जो भी है कुछ भी है, लेकिन आपको इस्लाम के बारे में जो है ना थोड़ी बहुत नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं पता तो आप में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो जो भी है, आप जिस तरह के भी इंसान हो, जो भी आपके काम है हरकतें तुम लोग की जो भी हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी मेरी तरफ़ से एक एडवाइस समझ लो या एक बात कह लो, कि आप जिस तरह के भी हो आपको इस्लाम के बेसिक्स एथिक्स पता होने चाहिए। जो आज का लेक्चर था वो तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मस्जिद। ये काफ़ी मतलब ग्रैंड मोस्ट में आती है ये। बस शूज़ पहन लेते हैं यहाँ से, शूज़ पहनने के बाद चलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है जो कि बड़ी अच्छी लगी है मुझे। जब पाकिस्तान में कोई विज़िट करने आता है मस्जिद, बादशाही मस्जिद है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो है फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जब लेडीज़ आती हैं तो ऐसी आ जाएंगी अंदर, हमको दुपट्टे का पता है ना, उनको अपने ड्रेसिंग का कुछ ख्याल है। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि सब नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग ठीक थी, मतलब उनको पता मस्जिद हम आ रहे हैं थोड़ी ड्रेसिंग हम सही रखें। इसके बावजूद वो जब लोग वहाँ से एंटर हुए हैं, उन्होंने लेडीज़ के लिए अलग रूम बनाया हुआ है, उन सबको अबाया दिया है कि आप लोग अबाया पहन के अंदर जाएं। ये रिस्पेक्ट होती है, मस्जिद की भी रिस्पेक्ट है, हमारे इस्लाम का कल्चर जो है। और मुझे बड़ी हैरानगी भी सोच के कि पाकिस्तान में ड्रेसिंग का कोई ख्याल नहीं है, ऐसे एंटर हो रहे होंगे मस्जिदों के अंदर, ज़रा कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है। मस्जिदों में सबसे गलत काम आई थिंक पाकिस्तान में ही किए जाते हैं। खैर, तुम लोग व्यू चेक करो मस्जिद का यहाँ पे, वाओ। बाकी ये है मस्जिद। तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, जो ये मैंने बुक्स ली हैं, ये इन्होंने बैग में डाल के दी हैं मुझे। ये तो वाटर बॉटल है आई थिंक, हाँ ये वही है। इसके अलावा बुक्स मैंने जो ली हैं ना, तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये जो है एक मैंने ये लिया, उसके अलावा एक मैंने ये, एक ये, इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मुझे बुक मिल गई तो मैंने उठा लिया। ये वुमेन राइट्स पता होनी चाहिए। खैर, ये एक लिए है और एक ये लिए है। आज थोड़ा इस्लामिक व्लॉग बन गया है, ठीक है, तो लाइक करो, पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता तो भी लाइक करो। The next day. लोग आ चुके हैं एक्सपो, अभी जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ पे। तो ये जो एक्सपो की एंट्रेंस है, अभी हम एंटर होते हुए जा रहे हैं अंदर, काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जो एक्सपो की एंट्रेंस पीछे से है, ये हम जाते हुए जा रहे हैं अंदर आगे को, उधर काफ़ी चलना पड़ेगा अभी हमें। पूछा मैंने कुछ,
species to come. State entities collaborate to protect biodiversity and protected areas by conducting related research and monitoring. अब हम जाएंगे वापस नीचे, चलो।